आइए अब हम देखते हैं इस 16 बिट कॉमन बस के माध्यम से मेमोरी में कोई डेटा कैसे लोड किया जाता है या मेमोरी का कोई डेटा किसी रजिस्टर में ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेमोरी को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लाइन S0, S1, S और S2 की वैल्यू 111 होनी चाहिए, तो ये मेमोरी को सेलेक्ट करेगा। ये मेमोरी को सेलेक्ट तो करेगा लेकिन क्योंकि मेमोरी का साइज 4096 है, इसका मतलब 4096 यूनिक एड्रेसेस लोकेशन है यहाँ पर जहां पर डेटा स्टोर है, तो एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि मेमोरी तो सेलेक्ट कर ली है, मेमोरी के किस लोकेशन पे, यानी उस लोकेशन का एड्रेस भी बताना पड़ेगा जो डेटा आपने सेलेक्ट करना है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एड्रेस रजिस्टर से डायरेक्टली मेमोरी कनेक्टेड है। अब इसमें दो तरह के कंट्रोल लाइंस हैं, रीड और राइट। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, रीड राइट लोड इंक्रीमेंट कंट्रोल और S0 S1 और S2, ये सारी वैल्यूज कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। तो अगर आपको मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है, यानी कि इस मेमोरी में कोई डेटा को स्टोर करना है, तो कैसे होगा? मान लीजिए डेटा रजिस्टर में कोई डेटा है, उसे आपने इस मेमोरी में स्टोर करना है, तो आपको दो चीज बतानी पड़ेगी, पहले तो वो डेटा और दूसरा उसको मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डेटा रजिस्टर्ड सोर्स है तो इसको आप S0, S1, S2 सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स की वैल्यू 011 जब होगी, S0, S1, S2, S1 और S0 की वैल्यू जब 011 होगी तो अपने आप ये डेटा रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी सेलेक्ट हो गया तो इसका मतलब इसके कंटेंट 16 बिट कॉमन बस में आ गए। अब कंट्रोल यूनिट राइट सिग्नल को इनेबल करेगा, तो ये जो मेमोरी के कंटेंट है, ये 16 बिट बस की कंटेंट है, मेमोरी में स्टोर होने को तैयार है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर करना है, तो एड्रेस रजिस्टर में वो एड्रेस पहले से ही स्टोर्ड है, इसलिए एड्रेस लाइन आप यहां से देख रहे हैं, एड्रेस रजिस्टर से एक लाइन जा रही है मेमोरी में, तो एड्रेस रजिस्टर से हम एड्रेस बताएंगे और डेटा यहां से डेटा रजिस्टर के 16 बिट कॉमन बस के थ्रू यहां आएगा और राइट सिग्नल जैसे ही इनेबल होगा मेमोरी में उस लोकेशन में डेटा स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको मेमोरी से कोई डेटा माना डेटा रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है तो तरीका वही है, सिलेक्शन लाइंस मेमोरी को सेलेक्ट करेंगी, वो कब होंगी जब S0, S1, S2 सब 111 होंगे, तो मेमोरी यूनिट सेलेक्ट हो जाएगी। अब ऑपरेशन क्या है, रीड, तो ये रीड लाइन इनेबल होगी साथ में, और मेमोरी के किस लोकेशन का डेटा ट्रांसमिट करना है वो ये एड्रेस रजिस्टर बताएगा, तो ये एड्रेस रजिस्टर से एक लाइन जा रही है मेमोरी में, यहां से एड्रेस जाएगा और उस लोकेशन के कंटेंट जो 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 इस एड्रेस में बताए गए हैं उस लोकेशन के कंटेंट इस 16 बिट कॉमन बस में आ जाएंगे। 16 बिट कॉमन बस में आ जाएंगे तो आप पहले ही जानते हैं सोर्स इससे सेलेक्ट किया जाता है और डेस्टिनेशन किससे सेलेक्ट किया जाता है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया जाता है लोड सिग्नल से। तो जिस भी रजिस्टर को, जो भी रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसका लोड सिग्नल 1 होगा, तो 16 बिट कॉमन बस के कंटेंट उस रजिस्टर में लोड हो जाएंगे। तो हमने जाना किस प्रकार मेमोरी में रीड और राइट ऑपरेशन किए जा सकते हैं। धन्यवाद।